गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है? द चेंजेस, फिजिकल चेंज द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस इज फाउंड, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये रिवर्स भी हो सकता है, इट कैन बी रिवर्स्ड। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होकर के वाटर बनता है और फिर वाटर को, जो वाटर बनता है वह न्यू सब्सटेंस नहीं है, वह आइस ही होता है। तो वाटर का फॉर्म आइस के रूप में, बस सॉलिड स्टेट के रूप में हो जाता है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, आइस मेल्ट होकर के वाटर होता है। फिर वाटर को हम फिर से फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, यानी रिवर्स किया जा सकता है। तो ये फिजिकल चेंज है। इसके बाद वेपराइजेशन, जैसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपोराइज होकर के गैस बनाता है, फिर गैस को अगर हम कूल करते हैं तो फिर से वाटर बन जाता है। इस तरह से फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाता है। इसके बाद देखते हैं केमिकल चेंज। द चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है वह केमिकल चेंज होता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम जलाते हैं तो वह राख बन जाता है, पेपर को बर्न करने पर वह राख यानी आस बन जाता है, और आस एक कार्बन होता है जो कि पेपर से उसकी प्रॉपर्टी डिफर होती है। इस तरह से एक न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सभी केमिकल चेंज है। इसके अलावा और एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन है, इसको बर्न करते हैं तो यह वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, वाइट डेजलिंग लाइट और वाइट आस बन जाता है, वाइट आस। सफेद कलर की राख बन जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसे मैग्नीशियम को हम अगर बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस होता है, एक न्यू सब्सटेंस हो गया, इसलिए केमिकल चेंज है। अगर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह बेस बनाता है Mg(H2O) वाटर में डिजॉल्व कर दिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि बेस है। और बेस की आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल, विनेगर है जिसे सिरका कहते हैं। विनेगर में अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, तो दोनों के बीच रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और सोडियम एसीटेट साल्ट बनता है। सोडियम एसीटेट साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इस तरह से अगर हम विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो सोडियम एसीटेट साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। अब इसको जैसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए और इस पे कार्क लगा दिए, कार्क में यू ट्यूब नली लगा देते हैं, ये कार्क है, इसमें विनेगर होता है, इसमें लाइम वाटर, लाइम वाटर में इस चूने का पानी COH2। अब इसमें हम धागे की सहायता से बेकिंग सोडा ले लेते हैं, किसी कंटेनर में बेकिंग सोडा ले लेते हैं, और जब हम इस तरह से अपरेटस को फिट कर देते हैं और इसमें जब बेकिंग सोडा गिरता है तो विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब से होता हुआ इस लाइम वाटर में आ जाता है, इस लाइम वाटर में आ जाता है और लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होने पर लाइम वाटर में वह मिल्की हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास कराने पर वो मिल्की क्यों हो जाता है। तो देखिए, अगर हम CO2 को लाइम वाटर यानी COH2 में पास कराते हैं तो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ये जो लाइम वाटर है वह चेंज हो जाता है मिल्की में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि न्यू सब्सटेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल डालते हैं
तो बनता है FeSO4+Cu। ये ब्लू कलर का रहता है, इसे नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा। अभी क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है FeSO4। FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। यही कॉपर आयरन पर इकट्ठा हो जाता है जैसा कि, और यह ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर। तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन मिलाते हैं तो FeSO4 एक न्यू सब्सटेंस बन गया। इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसका कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि यह केमिकल रिएक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों समझ में आ गया होगा।